जो कि 1952 से स्टार्ट हुआ राइट right? 1952 uh, 52 से 53 तक ये चला मतलब कमीशन बना कमीशन ने रिपोर्ट दिया इसके बाद हमने पढ़ा था दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपका था 1986 1986 ये पढ़ लिया था याद है कुछ-कुछ फंड्स -कुछ दैट इज ECCE ECCE ई बोला गया तो दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये पॉइंट को हरेक एन में रखा गया है हर एक एन में रखा गया जो भी आप एन देख लो दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन देख लो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय की शिक्षा नीति है उसको मतलब चेक कर लो नीति फॉर शिक्षा जो भी रहेगा उसको चेक कर लो तो ये पॉइंट एक सेम रहा बट जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पढ़े थे जो बुक में नहीं है बोल रहे थे उसका मैंने एक्स्ट्रा दिया था तो इसको थोड़ा सा मेंटेन रखना एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाइनटीन का ही कंसेप्ट है सिक्सटी में भी नहीं था ट्वेंटी में भी नहीं था नाइनटीन में भी नहीं था तो अभी देखो 1986 में में बहुत सारे मिले है ना जो कि आपने ऑब्जेक्टिव्स के अंडर में पढ़े हो दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन गर्ल चाइल्ड्स को पढ़ाना है एस टी एस डेवलपमेंट के लिए सोचना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है देन टीचर एजुकेशन भी होना चाहिए टीचर एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए फीस एट्सेट्रा सब कुछ आपने देखा था राइट right? अभी उसी चीज में कुछ कुछ रेक्टिफिकेशन चाहिए कुछ तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना उसी रेक्टिफिकेशन के लिए और एक कमीशन आया मतलब और एक पॉलिसी बन गया तो वो पॉलिसी है 1992 एनईपी, तो so, कहीं कहीं पे मेंशन होता है राइट अबाउट एनईपी, नहीं दिख रहा होगा आपको सो राइट अबाउट एनईपी, एनईपी और एनपीई बोल सकते हो 1992 ये कंफ्यूज करने के लिए देता है ये है रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी इसको क्या बोलते हैं रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी और बोलते हैं पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन ठीक है पावर ऑफ एक्शन नहीं है प्रोग्राम ऑफ एक्शन ठीक है कौन सा एक्शन जो पहले 1986 में हो गया है जो पॉलिसी बन गया है उसमें कुछ-कुछ चीजें फॉल्ट थी ठीक है उस फॉल्टी थिंग्स को हम रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो कुछ कुछ मतलब नियर अबाउट टू टू थ्री परसेंट कुछ चेंजेस करना है एक सेक्शन में या फिर और एक सेक्शन में वन परसेंट चेंजेस करना है तो इस रेक्टिफिकेशन के लिए जो पॉलिसी आया दैट इज नाइनटीन नाइनटी टू पावर ऑफ एक्शन और एन ई पी नाइनटीन नाइन्टी टू ठीक है रिवाइज नेशनल पॉलिसी अभी रिवाइज नेशनल पॉलिसी को हम पढ़ेंगे ठीक है सो ये हो गया आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन ओके स्क्रीन विजिबल है इज द स्क्रीन विजिबल और नॉट फटाफट बोल लो ओके चल ओके चल सो अभी देखो पूरा अच्छे से स्टोरी स्टोरी याद है प्रीवियस का मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा चुकी हूँ आपको कि एनईपी क्या था अच्छा जब एनईपी आया एनपी आया ये सब कौन लाया था तो उस टाइम की कांग्रेस कांग्रेस बहुत ही ज्यादा चल रहा था एंड इंदिरा गांधी के टाइम पे ये सब आया हुआ है है ठीक इंदिरा गांधी के टाइम पे आया हुआ है पेन मोडिफाई जिसके वजह से मतलब प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया प्रोग्राम ऑफ एक्शन बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन को हम पावर ऑफ एक्शन बोलते हैं तो दैट इज नॉट पावर ऑफ एक्शन ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन है और रिवाइज नेशनल पॉलिसी है और एनपी

एक रिव्यू कमेटी है रिव्यू कौन करता है जो बार-बार देखता है एंड उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसको करेक्शन करने के लिए जो करते हैं तो वो कमेटी है तो रिव्यू कमेटी वाज सेट अप बाय कैब। कैब के बारे में मैंने बताया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैप बता दो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैप याद है बोलो बोलो कोई भी एक बोल दो आई थिंक भूल गए लास्ट क्लास में मैंने इसका नाम बताया था आपको सो so, पूरा फुल फॉर्म बताया था दैट इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इसी के थ्रू आपका सीबीएसई सीएचएसएलसी आईसीएसई एनसीईआरटी एससीईआरटी सब कुछ बनता है तो ये सेंट्रल बोर्ड है एडवाइजरी बोर्ड है ठीक है जहाँ पे बहुत सारे पर्संस होंगे जिन्होंने क्या-क्या है अपने-अपने टाइम पे कुछ-कुछ थिंग्स को

ठीक 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 है 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 मैं बोलते CAB को हम लोग बोल लेते हैं कैप. The seat, under the of, देखो कौन है? and janardhan ready, बुक में mention नहीं होता है, बार बार बोल रही हूँ बुक में मेंशन आपका नहीं होता है तो आप लोग याद रखेंगे ढूंढ ढूंढ के करना पड़ता है एन जनार्दन रेड्डी बिकॉज ये क्वेश्चन uh, आ जाता है सीटेट वोटेट में तो वहां पे नहीं मिलता है हमें पढ़ने के लिए सो so, इसलिए ये पॉइंट को अंडरलाइन करना एन जनार्दन रेड्डी इट सजेस्टेड ये फ्यू मोडिफिकेशन इन द एनपी 1986 समझ गए मोडिफिकेशन करना है थोड़ा सा चेंजेस करना है फ्यू बोला गया थोड़ा सा चेंजेस करना है एंड दीस चेंजेस वर अनाउंस्ड इन द पार्लियामेंट पार्लियामेंट में हो गया इन द मंथ ऑफ मई 1992 1992 मंथ मई के

पार्टनरशिप इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम अभी देखो पार्टनरशिप चाहिए ठीक है कंट्रीब्यूशन एक वर्ड हमने यूज़ किया दैट मींस मुझे अगर कोई एक, आ, रूल को लगाना है हमारे स्कूल में सो so, सारे टीचर्स को यहाँ पे पार्टनरशिप निभाना पड़ेगा रूल को निभाने के लिए और रूल को मेंटेन करने के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सारे टीचर्स को बोलना पड़ेगा एंड सारे टीचर्स अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और पार्टिसिपेशन देंगे ठीक है तो मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम सो इट इज अंडरलाइन द नीड ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज टू वर्क क्लास और वर्क क्लोज इन विद विथ अदर अच्छा अभी देखो वर्किंग क्लास जो है वर्किंग क्लास कौन है हम सारे वर्किंग क्लास के मिडिल क्लास एंड द लॉर क्लास पहले तो मिडिल क्लास को ही सिर्फ बोला जाता था बट अभी हम लॉर क्लास को भी ले सकते हैं बिकॉज दे आर वर्किंग क्लास ओके बिकॉज एक दूसरे के साथ अगर कोऑर्डिनेट करके हम काम ना करें तो ये दुनिया बंद हो जाएगी है ना सो so, अगर हमें स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज में एक साथ सबको पास पास रखते हुए काम करवाना है कोऑर्डिनेशन में काम करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा एक मीनिंगफुल रूल्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिसमें पार्टनरशिप का वैल्यू समझ आए हैज़ टू बी एज बीजर अच्छा याद याद है याद है chatter मतलब क्या था मैंने बोला था एक उनके नाम से आया था विलियम चार्टर एंड एक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट एक्ट आया 1813 में, 1833, 1854 आपका फिफ्टी डिस्पैच आया ठीक है ना मैग्ना बहुत ही आ, बोल सकते हो वैल्यूएबल है है ना वो बहुत सालों तक चला भी तो चार्टर एक्ट जैसा था चार्टर एक्ट में क्या होता था ना जस्ट लाइक like आप एजेंडा बनाते हो तो एजेंडा में क्या लिखते हो आज के फंक्शन में ये ये प्रोग्राम होगा दिस प्रोग्राम्स आर इंक्लूडेड इन दिस एरिया और इन दिस फंक्शन तो ये फंक्शन में हमें ये ये करना है फंक्शन की विधि नहीं ये करना है तो so नाउ में भी वही लिखा कि education में कितना पैसा खर्च करना है कैसा बनेगा क्या नहीं होगा सब कुछ लिखा रहता है तो वैसे ही अगर प्रोग्राम ऑफ एक्शन में हमने कुछ बनाया तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पीओ ए हैज टू बी परसिप्ट कैसे लिया गया पीओ ए को Act के 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 जैसा लिया गया को को एक साथ चलाने के लिए nation को रूल करने के लिए करने हमें whole, जो complete एक चाहिए सबके साथ मिलजुल के करना है ये कोऑपरेशन सबका होगा तभी जाके चलेगा दैट इज यूनियन स्टेट्स यूटीज यूनियन टेरिटोरीज एंड द एजुकेशनल कमिटी ऑल्स जितने भी एजुकेशनल कमिटीज है सबको फॉलो करना पड़ेगा अभी देखो फ्लेक्सीबल अप्रोच ये पॉइंट्स आपने 1986 में नहीं पढ़ा इसी पॉइंट्स का जो हेडिंग्स है ना उसी को रटना है आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच फ्लेक्सिबल अप्रोच मतलब जो सबके लिए हो है ना जो भी प्लान हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे वो सबके लिए होना चाहिए सबके वैल्यूबल uh, जो पॉइंट्स हैं उसको हम लेते हुए आगे बढ़ा सकते हैं सबके कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं मोडिफाई कर सकते हैं सो so, हम क्या माइंड में रखेंगे कीपिंग इन माइंड द एक्शन ऑफ POA, POA का जो एक्शन है फॉर uh, क्या बोल सकते हैं, ये well, ये जो था था, का, ठीक ठीक है? है? में आ रहा था, And उसमें किया गया वर्ड को ठीक है ये फ्लेक्सिबल क्या है पेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन कैन मैच द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस सो नाउ रिसोर्सेस ज द रिसोर्सेस रिसोर्स इज द एडिशनल फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन विदिफिशियल ऑफ सिविलाईशन सो हम बोल सकते के को लेते हुए मेरा भी कुछ भलाई होगा उसके बाद मुझसे ये रिसोर्सेस किसको जाएगा मेरे बच्चों को जाएगा उनसे उनके बच्चों को जाएगा तो ये नेक्स्ट वन बाय वन वन आफ्टर अनदर जेनरेशन को मूव करते रहता है तो सोचो सारे जेनरेशन को फ्लेक्सीबिलिटी हमें चाहिए रिसोर्सेज का एवेलेबिलिटी चाहिए सो so दैट फ्लेक्सीबल अप्रोच होना चाहिए एंड एजुकेशन इज द बेस्ट रिसोर्स ओवर द वर्ल्ड जितने भी रिसोर्सेज है ना सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन क्योंकि एजुकेशन के विद इन सारे रिसोर्सेज मेंशन होते हैं अभी देखो कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी अच्छा ये दो वर्ड ना बहुत ही mm. इंपॉर्टेंट है अभी देखो कहाँ पे कितना खर्चा करना है ठीक है प्रोग्राम्स तो बना लिया बट अभी अगर रूल हमें स्टार्ट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए प्रॉपर टीचर्स को पेमेंट देना है प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है सारा कुछ मतलब जितना भी बजट है वो एक्चुअली में सबके साथ हम क्या करेंगे डिस्कशन करके सॉल्व करेंगे कि, कि कितना किसको देना है तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी वही बोलता है कि अनप्लैंड प्रोलिफरेशन ऑफ हम क्या बोल सकते हैं जो अनप्लैंड है मतलब प्लानिंग नहीं हुआ है ऐसे सब स्टैंडर्ड अगर आ, प्रोग्राम चलता रहे इंस्टीट्यूशन्स में क्या वो वर्किंग करेगा पैसे एक्चुअल में हम उनको दे पाएंगे नहीं सपोज सुन लो अभी एक कॉलेज बन गया बहुत ही कॉस्टलीस्ट कॉलेज है मतलब जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे नॉर्मल बच्चे पढ़ नहीं सकते जिनके पास पैसा है वो जा पाएंगे तो क्या नॉर्मल बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो ये होता है कि हम ऐसे स्कूल कॉलेज बनाएंगे जहाँ पे हम बजट को इतना अच्छा से कंज्यूम करेंगे जो कि सारे बच्चों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी स्ट्रॉ करे एंड स्ट्रेस जो है स्ट्रेस प्रोसेस भी कम हो जाए ठीक है एंड अच्छे से पढ़ाई भी कर सके इजीली अभी देखो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल अभी लोगों का पीपल नहीं बोला गया पीपल बोला गया तो पीपल जितने भी लोग हैं एजुकेशन सिस्टम में वर्क कर रहे हैं एंड उनको छोड़कर भी आसपास के सोसाइटी के जितने भी लोग हैं इवन ये पूरा वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उनको पहले समझना पड़ेगा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल नहीं होने का मतलब देखो पहले क्या था कि एलिमेंट्री एजुकेशन अगर बोल लिया तो एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 1 to 8, class 1 to 8, but क्या आप लोग ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना अभी जो बता रही हूँ ये कॉन्सेप्ट आप फिर से पढ़ोगे दैट इज़ स्कूल जेंडर जो आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है उसमें भी मैंशन है कि एक सपोज थिंक कर लो कि एक इलेवन ट्वेल्व ईयर्स का बच्चा है और एक uh, बच्ची भी है सेम एज का तो कौन से घर पे अगर दो बच्चे हैं एक बॉय है एक गर्ल है एंड uh, आपने क्या सोचा कि बच्चा जो बॉय है वो बड़ा होकर हमें देखेगा हमारा सहारा बनेगा एंड हमें खाना खिलाएगा हमें पोसेगा मतलब पालन पोषण करेगा एट्सेट्रा so इसके वजह से आपने उसको इंग्लिश मीडियम में दिया एंड नॉर्मल जो गर्ल तो पराई धन है भाई पराए घर जाएगी तो वो क्या संभालेगी हम लोगों को कितना ही जॉब करना है उसको ये सोच के हमने क्या किया उसको नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में दे दिया फिर अगर प्रॉब्लम हुआ नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं हुआ टॉयलेट ब्लॉक्स नहीं बने हैं या फिर वहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं हैं अब यूज़ करते हैं फिर उसके बाद प्रॉब्लम है अगर अपना स्कूल घर से बहुत दूर है दैट मीन्स विद इन टू टू थ्री किलोमीटर्स के अंदर अगर नहीं है सो so, क्या गर्ल चाइल्ड्स पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे सो so, देखो अगर ये नहीं पॉसिबल होता दैन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं हो पाता सो so, आज के टाइम पे हमें क्या करना है 1992 का पीरियड है मतलब हम लोग जस्ट नाइनटीन uh,

अभी के टाइम का एजुकेशन जो चल रहा है वो कंट्रोल कर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज क्या है डायरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन एंड देर इज अ नीड फॉर ग्रेटर कोऑर्डिनेशन एमोंग दीज मल्टीपल एजेंसीज एंड द फंक्शनिंग और बोल सकते हो आप फंक्शनिंग

अगर टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती हूँ स्कूल्स का एजुकेशन का तो क्या स्टेट गवर्नमेंट्स में अच्छे से पढ़ाई होगा कौन चेक करेगा इतना किसके पास टाइम है तो उन्होंने क्या किया कि कुछ कुछ एरियाज में जैसे स्कूल्स हैं बहुत अच्छे अच्छे तो वहां पे एजुकेशन सेक्रेटरी एंड सेवरल डायरेक्टर्स को उन्होंने अपॉइंट कर दिया तो वो लोग चेक करेंगे लिंकेज बनाएंगे डिफरेंट फील्ड के साथ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं जितने भी कुछ है उसको एजुकेशन के साथ लिंक क्रिएट करने के लिए हेल्प करेंगे अभी देखो नंबर सिक्स एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जानते हो है है ना जानते हो उसी से संबंधित ये Empowerment of women through education. अच्छा हम क्यों दे रहे हैं को Because employment बढ़ सके इसके लिए नहीं इसलिए होते हैं जिससे एक गर्ल को अगर एजुकेट करते हो तो वो बीमार ना पड़े मेन चीज है बीमार ना पड़े उसको एज ए टीचर हमने एजुकेशन दिया क्यों हर एक माँ एक टीचर होती है ठीक है हर एक मदर एक टीचर होती है जब भी वो घर पे रहती है अपने बच्चों को वो ग्रो करवाती है बड़ा करती है तो उस टाइम ईच एंड एवरी पॉइंट से वो बोल सके ना सके लिख सके ना लिख सके जो भी उनके माइंड में रहता है वो बच्चों को बताती है तो बच्चे उनसे सीखते हैं सो फर्स्ट तो उनको एजुकेशन देना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इससे बच्चे उनके बच्चे भी सीखेंगे पूरा सोसाइटी एजुकेट होगा सेकेंड पॉइंट उनको अगर एजुकेशन देते हो इन uh, अगर uh, कोई एक सिचुएशन खराब हुआ तो वो हेल्प कर सकते हैं अपने फैमिली को इकोनॉमिकली वो स्टेबल हो सकती हैं फ्लेक्सिबल हो सकती हैं एंड जो उनका जेंडर इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएगा बायसनेस जो है वो सॉल्व हो जाएगा ठीक है जो झगड़े लगे रहते हैं कि तुमको क्या आता तुम मूर्ख हो ये पॉइंट से लड़कियां निकल पाएंगी तो इंपारमेंट ऑफ वुमेन थ्रू एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड थ्रू आउट दी वर्ल्ड ये हो रहा था अभी देखो स्पेशल स्ट्रेटजी, अभी स्पेशल एक स्ट्रेटजी फॉर द एजुकेशन ऑफ दी डिसएडवाटेज सेक्शन अभी डिसएडवाटेज सेक्शन में कौन आते हैं एस टी एस सीज माइनॉरिटीज़ फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकेप पर्सन इनके लिए कुछ कहना है जो विकलांग हैं जो एस टी एस सीज हैं विकलांग है इनको हमने सोशली डिसएडवाटेज ग्रुप में रखा है बिकॉज इनको दारिद्र्य सीमा रेखा के नीचे भी रखा जाता है प्लस इनको बहुत बार डिसरेस्पेक्ट भी शो किया जाता है पहले के टाइम पर सो दैट उनको एजुकेशन देना एंड गाँव घर में जो भी एस टी एस सीज रहते हैं ना आप न, उनको पढ़ने बोलो ना वो पढ़ेंगे नहीं उनको ओनली इनकम का सोर्स बता दो वो उतना करेंगे तो वो चीज़ को हटाना है सबको एजुकेट करना है स्पेशली हम उनको भी डिसएडवांटेज ग्रुप में नहीं रखना चाहते उनको भी नॉर्मल लाइफ देना चाहते सो दैट एजुकेशन को इक्वल करना है एंड नेसेसरी स्टेप्स लेना है इनके लिए कि इनको भी इक्वलनेस चाहिए सो दैट डिसएडवांटेज जो पॉइंट है उससे निकल सके अभी देखो नंबर एट ठीक है नंबर एट में क्या है <laughs> कॉन्टिन्यूंस ऑफ द एडल्ट एजुकेशन ये चीज़ आपने नाइनटीन एटी सिक्स में भी पढ़ा था अभी का जो लास्ट दो तीन पॉइंट पढ़ा ना सब नाइनटीन एटी सिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ था सेम पॉइंट्स को लिख देना सेम पॉइंट्स को लिख देना जो जो एक्स्ट्रा है बस उसको चेंज कर देना तो कॉन्टिन्यूंस ऑफ द एडल्ट एजुकेशन मतलब हम एडल्ट एजुकेशन देंगे उससे क्या होगा कि बच्चे वोकेशनलाइज होंगे उनके फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं एस्टाब्लिसमेंट ऑफ़ दी कंटिन्यू एजुकेशन सेंटर डाइवर्स काइंड ऑफ एजुकेशन सेंटर होगा जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स को हम सिखा सकते हैं

हम लोग भी सेम सिस्टम में पढ़े हुए हैं तो ये टेन प्लस टू प्लस सिस्टम जो एक्सेप्टेड किया गया एजुकेशन सिस्टम में एंड पूरा वर्ल्ड वाइड और कंट्री वाइड हम बोल सकते हैं ये चल रहा है ठीक है अर्ली चाइल्ड हुड केयर फिर से आ गया सो अर्ली चाइल्ड हुड केयर का फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे डे केयर देंगे डे केयर सेंटर्स बालवाड़ी देंगे एलिमेंट्री एजुकेशन देखो एलिमेंट्री एजुकेशन में तीन पॉइंट्स आता है ठीक है ये तीन लाइन याद रखना पहला क्या है यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट अभी बोलो यू ए आ गया नहीं यूए नहीं है शॉर्ट फॉर्म है यूनिवर्सल एनरोलमेंट uh, देखो एजुकेशन में एनरोलमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्या जान सकते हैं हम कि कितने बच्चे पॉपुलेशन uh, में प्रेजेंट है एंड uh, उनमें से कितने बच्चे पढ़ाई करें कितने बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो चीज़ हम लोग जान सकते हैं एनरोलमेंट से कितने बच्चों ने एडमिशन लिया एंड यूनिवर्सल एक्सेस क्या होता है एनरोलमेंट मतलब नाम लिखाना बट नाम लिखाने से वो स्कूल आते हैं एंड पढ़ते हैं ये तो पॉसिबल नहीं है ना सो यूनिवर्सल एक्सेस दैट मीन्स सारे बच्चे ओनली नाम लिखा के घर पे बैठे हैं या फिर पढ़ाई को एक्सेस भी करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सल रिटेंशन अभी देखो जो बच्चे एक्सेस कर रहे हैं तो वो तो वो स्कूल में ही रहेंगे अभी कुछ लोगों के पेरेंट्स होते हैं कि ऑलवेज उनको ट्रांसफर मिल जाता है एंड वो मूव करते रहते हैं इधर से उधर तो जो बच्चा आ, एक साल एक स्कूल में पढ़ा दूसरे साल दूसरे स्कूल में पढ़ा तो इससे आप क्या जान सकोगे कि वो कितना एक्सेस किया है है ना तो यहाँ पर हम चेक करते हैं रिटेंशन मतलब उसने क्लास वन टू टेन तक पढ़ा है कि

अभी देखो सेकेंडरी एजुकेशन में तो स्पेशली एक्चुअली सेकेंडरी एजुकेशन में ही चेंजेस किया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएटेड रोल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हमें रोल को चेंज करना है डिफरेंशिएट करना है दैट मीन्स कौन सा चीज़ किसके लिए है एस टी के लिए क्या है uh, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल बच्चों के लिए क्या है तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट करना है तो एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन पहले के टाइम पे ना मतलब क्या होता था अगर किसी बच्चे ने क्लास एट तक पढ़ लिया तो वो सोचता है कि बहुत पढ़ लिया छोड़ देते थे तो वो नहीं सेकेंडरी एजुकेशन भी लेना पड़ेगा आप सेकेंडरी एजुकेशन नॉर्मली जान जान के जान चुके हैं दैट इज़ टू टू एंड एक्सेस सेकेंडरी एजुकेशन मतलब कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको एंड उसके अंदर पे हमने स्पेशल एनरोलमेंट किसका करवाया गर्ल्स का एस सी एस टीज का एंड उस टाइम पे उससे पहले कॉमर्स सब्जेक्ट्स नहीं होते थे तो कॉमर्स एंड वोकेशनल स्ट्रीम्स में भी डाला गया इन लोगों को जैसे कि पहले के टाइम पे आ, अगर कोई बच्चा मतलब गर्ल चाइल्ड अगर प्लस टू के बाद इंजीनियरिंग करने का सोचती थी डिप्लोमा आईटीआई करने का सोचती थी तो उनके पेरेंट्स बोलते थे तुम क्या ही कर लोगे इसको पढ़ के है ना वट इज द नीड ऑफ दिस सब्जेक्ट क्या है क्या है इसका वैल्यू कुछ नहीं था ठीक है ना अभी के टाइम पे सारे सारे के सारे अलाउ करते अपने बच्चों को कि हाँ

एज सिटीजन तो उनको नागरिक के हिसाब से जो नागरिक का कर्तव्य है मूल उद्देश्य कर्तव्य है जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है वो बताना भी इम्पोर्टेंट है प्लस हिस्ट्री नेशनल परस्पेक्टिव में नेशन के बारे में राष्ट्र के बारे में सब कुछ बताना चाहिए यही है सेकेंडरी एजुकेशन का मेन मोटो कि सिटीजन अच्छा बनाएंगे वोकेशनल कर देंगे सारे लोगों को एनरोल करवाएंगे एंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल बी रीऑर्गेनाइज एंडेड विद द ऑटोनॉमी

किए हुए पूरा थ्रू आउट दी कंट्री बिकॉज इसके थ्रू बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हम करा सकें, एंड इट इज वन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन सिस्टम एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन सिस्टम सो टू सर्व द्वालिटी ऑफ एजुकेशन जस्ट लाइक कुछ ऑब्जेक्टिव हमने निकाला उद्देश्य निकाला उसके थ्रो बोला कि हम बच्चों को सोशल जस्टिस इक्विटी समानता सारी चीजों के बारे में बताना चाहते हैं विथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सो ये पॉसिबल है ओनली नवोदय विद्यालय के इसलिए स्कूल्स बन गए अभी देखो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एजुकेशन ऐसा देंगे जिसके थ्रू बच्चों को स्किल सीखने को मिले जिसके थ्रू बच्चे फ्यूचर में अर्निंग करें, तो दैट इज कॉल्ड लर्निंग फॉर अर्निंग वोकेशनल एजुकेशन को मैं बोलती हूँ एक लाइन में कि लर्निंग फॉर अर्निंग हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हमें फ्यूचर में uh, क्या मिले अर्निंग मिले ठीक है ना तो इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टमैटिक देखो सिस्टमैटिक है वेल प्लान वोकेशनल एजुकेशन इज क्रूशियल इन प्रोपोज एजुकेशनल रीऑर्गेनाइजेशन विच विल डेवलप ए हेल्दी एटीट्यूड एमॉन्ग स्टूडेंट टूर्ड्स वर्क एंड लाइव सो क्या हुआ सिक्स no, में बोला गया कि वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए बट जब उसको इंप्लीमेंट क्या क्या गया गया तो 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 कौन सा सब्जेक्ट कौन सा लेगा क्यों हम हम पढ़े में 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 कोई है कि 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 नहीं नहीं उस में, उस उस तो इसके बारे में डिटेल नहीं पता चला and ये crucial point आ गया कि बच्चे क्या करेंगे पढ़ाई करके तो बताया को इसलिए देना चाहते हैं कि बच्चे लाइफ एंड वर्क के साथ जुड़े रहे कनेक्टेड हो एंड कनेक्शन क्रिएट कर सके कि अगर तुमको जिंदा रहना है तो काम करना पड़ेगा एंड काम से तुम्हें अर्निंग मिलेगा अभी देखो हायर एजुकेशन पहले तो हायर एजुकेशन को ओपन किया गया दैट इज ओपन यूनिवर्सिटीज आप लोग जानते हो ऑलरेडी ओपन यूनिवर्सिटीज और डिस्टेंस एजुकेशन जस्ट लाइक अभी का है इग्नू इग्नू हो गया इंदिरा गांधी जो ओपन यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है एंड ये जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ होते हैं यहाँ पे सेम हायर एजुकेशन का अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है इवन ई यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है हम यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं लोगों को एंड एवरी ईयर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं ऐसे ही अभी बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज़ हो चुके हैं जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटीज़ है दैन कुरुक्षेत्र का भी ओपन यूनिवर्सिटी ग्राउंड ओपन हो चुका है uh, संबलपुर का भी खुद का है ओपन यूनिवर्सिटी मतलब ओपन यूनिवर्सिटी मतलब ओपन साइड कर दिया एक साइड में ये कर रहा है बट इग्नू खुद ही एक ओपन यूनिवर्सिटी है खुद में ही एक ओपन यूनिवर्सिटी है वो एक यूनिवर्सिटी है बट संबलपुर में एक एक पार्ट को ओपन यूनिवर्सिटी जैसा रखा गया जहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं ठीक है ठेके? तो इग्नू बहुत ही पुराना है नाइनटीन में ये आया मतलब सोच लो इसका इस्टेब्लिशमेंट कितना आगे हुआ होगा तो ये हो गया आपका प्रोग्राम ऑफ आप।